जल निगम विभाग की उदासीनता से बढ़ रहा लोगों का आक्रोश। जनपद प्रयागराज के मेजा तहसील क्षेत्र के उरू ब्लॉक के अंतर्गत ऊंचडीह बाजार के यूपी ग्रामीण बैंक के सामने जल निगम की पाइप कई जगह से टूट गई है, जिससे सड़क पर जल जमाव बना हुआ है और सड़क पर बने गड्ढे जानलेवा बन गए हैं। सिरसा दिघिया मार्ग के ऊंचडीह बाजार स्थित यूपी बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने सड़क पर भारी जलभराव से आवागमन बाधित है। जल जमाव से बने गड्ढे और टूटी सड़क की वजह से बिखरी गिट्टियां दुर्घटना की वजह बन रही है। यहां बने गड्ढे में साइकिल और बाइक सवार आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। बता दें कि बाजार में पूरे दिन लोगों की आवाजाही बनी रहती है। चौकी दिघिया मार्ग पर निरंतर दो पहिया और चार पहिया वाहनों का आवागमन बना रहता है। इस स्थिति में यहां दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। देश की राजधानी दिल्ली में पेयजल का मुद्दा सुर्खियों में है। यहां पानी को लेकर हो रहे धरना प्रदर्शन के साथ हो रही सियासत से सीख लेने की जरूरत है। दिल्ली में टैंकरों के पीछे भागते लोगों से पेयजल की अहमियत को सीखनी होगी। ऊंचडीह बाजार में जल निगम की फटी और टूटी पाइपलाइन से रोज सड़क पर बर्बाद हो रहे पानी की शिकायत को विभाग ने गंभीरता से नहीं लिया है। पंचायत के लोगों ने पानी के वेस्टेज को रोकने के लिए पाइपलाइन को दुरुस्त करने की मांग दोहराई है। प्रदेश की योगी सरकार बुनियादी सुविधाओं को लेकर बेहद गंभीर है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी की व्यवस्था बेहतर और जनोपयोगी हो, इसके लिए मुख्यमंत्री निरंतर समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश देते रहे हैं। इस स्थिति में सरकार के निर्देशों की उपेक्षा जल निगम विभाग कैसे कर सकता है? विभाग की उदासीनता से लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। यदि विभाग नहीं जागता है तो लोगों के गुस्से का शिकार होना तय है।